जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक बना रहा है सारे व्यूवर्स को बेवकूफ़ और दोस्तों पूरी तरह से उल्लू बन रहा है सारा व्यूवर, सारे क्रिएटर भी। लेकिन दोस्तों इस बार टिकटॉक पे बहुत सारे दोस्तों ऐसे कहते हैं कि दोस्तों रियाज भाई सब थोड़ा सा लिपसिंग ऐसे से वैसे करते हैं, हाथ घुमाते हैं कि उसके वीडियो पर मिलियनों में लाइक आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन आप टिकटॉक को ऐसे एक्सपोज पहले सोच लीजिए अपने अंदर क्या है कमियाँ दोस्तों, उस कमियाँ को ढूंढिए, उसके बाद टिकटॉक को कुछ गलती मान सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में टिकटॉक की भी गलती मानेंगे और आपकी भी गलती मानेंगे दोस्तों, दोनों में किसकी गलती ज़्यादा रहती है। तो फाइनली दोस्तों टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रातों रात स्टार बन सकते हो, फेमस हो सकते हो, नाम शोहरत सारा चीज कमा सकते हो, लाइक भी पा सकते हो, लाइक के थ्रू आप फेमस भी हो सकते हो दोस्तों। इस वक्त अभी दोस्तों टिकटॉक पे इतना कंपटीशन है कि जितना कंपटीशन बहुत पहले नहीं था। जब कंपटीशन कम था तब ही आए थे हमारे रियाज भाई, फैजू भाई, अदनान भाई, ये सारे कब आए थे? जब कंपटीशन बहुत कम था। लेकिन उस वक्त इतना कम कंपटीशन था कि उस वक्त फेमस होना उतना आसान था कि जितना आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन आपके अंदर यूनिकनेस, कुछ स्मार्टनेस होनी चाहिए। लेकिन टिकटॉक पे दोस्तों वही वायरल होता है, वही फेमस होता है जो पूरा तरह से स्मार्ट रहता है, जो पूरा तरह से बकलोल रहता है। यानी दो टाइप का इंसान इस पर बहुत जल्दी से फेमस और वायरल होता है, जो बकलोल पूरा रहता है देखने में लगता है, जो पूरा स्मार्ट देखने में लगता है। ये दो टाइप का इंसान अगर आपके अंदर है, आप हैं देखने में, तो फाइनली आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे फेमस और स्टार बन जाओगे टिकटॉक के। तो इसराइल भाई को ले लो दोस्तों, इतना बकलोल हैप माइंड लग रहा है दोस्तों, इतना जल्दी से फेमस हो गया, कोई समझ नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता था ये कि जितना भी फेमस हो जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त ले ले बात करें टिकटॉक पे वही फेमस हो रहे हैं जो यहाँ पे जेन्युइन तरीके से और पेशेंस के साथ और मेहनत तरीके पेशेंस पेशेंस के साथ अच्छी खा रिट्रेंडिंग और सारा यूनिकनेस के साथ काम कर रहे हैं, वही यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपके अंदर कुछ यूनिक कंटेंट, आपके अंदर यूनिक कला रहना चाहिए, यूनिक कुछ करने के लिए जिज्ञासा रहना चाहिए, जो आप यूनिक कर सकते हो, सबसे यूनिक, किसी का कॉपी नहीं। अगर आप जिस दिन कॉपी करना बंद कर दोगे उस दिन आप रातों रात स्टार बन जाओगे, ये मेरा लिख के दावा कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त हम टिकटॉक की बात करेंगे कि आप एक्सपोज के बारे में। तो इस पर बहुत सारे दोस्त टिकटॉक से बुरा मान रहे हैं, टिकटॉक को पागल कह रहे हैं, लेकिन टिकटॉक इसकी कोई गलती नहीं। टिकटॉक एक सॉफ्टवेयर है जो आपको देखने को मिलता है और आप उसे यूज करते हैं, आप दूसरे का वीडियो देखते हैं, आप देखिए इस पर क्या होता है दोस्तों। आपके टिकटॉक इस तरह का एल्गोरिथम काम करता है, आपका वीडियो, आपने वीडियो को पब्लिश किया, ठीक है, आपने वीडियो शुरुआती को बनाया और आपका 15 सेकंड का वीडियो, 15 सेकंड का वीडियो आपका भी टिकटॉक जो है वो 100 लोगों के पास भेजता है। 100 लोगों के पास क्या करता है, 100 लोगों में से आपके वीडियो को 5 लोग भी अच्छे खासे वॉच टाइम नहीं दे पाते हैं उस वीडियो को। यानी 15 सेकंड का वीडियो है तो 1 सेकंड भी खोल के नहीं देगा, फटाक से स्वाइप अप कर दिया, फॉलो यानी स्वाइप हटा दिया उसे आगे से। अगर आपके वीडियो कुछ यूनिक लगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ यूनिक आप कर रहे हैं, तो उस वीडियो को 100% वो 10 से 12% वो आपके वीडियो को देखेगा, 10 से 12 सेकंड आपके वीडियो को देख लिया। जिसने जिस दिन आपके 100 में से 90 अगर आदमी देख लिया 12 सेकंड आपके वीडियो को, 15 सेकंड का वीडियो, तो वो 100% आपका वीडियो वायरल के साथ साथ आपका वीडियो फेमस भी हो जाएगा और आपके साथ यूट्यूब भी करना शुरू हो जाएगा, साथ में शेयर भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यूनिकनेस के नाम की चीज होनी चाहिए, आपके यूनिक कितना कर सकते हो, आप यूनिक कंटेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हो, टिकटॉक पर कब वीडियो डाल सकते हो, ये सारे आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। यहाँ पे टिकटॉक ना कोई गलती नहीं, यहाँ पे गलती हम ही लोग की होती है, गलती जो हमारे अंदर कमियाँ रहती है, उस कमियाँ को हम पकड़ नहीं पाते हैं, तब हम जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते हैं और साथ में आप पेशेंस नहीं रहते हैं। हम दिन में वीडियो कभी होता है कि आप लोग करते हैं कि हम बहुत सारे क्रिएटर ऐसे कहते हैं आज वीडियो डाले फिर 6 महीने बाद डाल दिए, फिर कल डाले फिर परसों डाल दिया, ऐसे ऐसे करके टाइम टेबल कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। कोई रूल रेगुलेशन गाइडलाइन के साथ अगर काम करोगे जल्दी जल्दी सक्सेस हो जाओगे भाई, टिकटॉक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको फाइनली एक टाइम टेबल फिक्स करना है, तो पहली बात। दूसरी बात दोस्तों आपको यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करना है, तीसरी बात दोस्तों आपको यूनिक सॉन्ग पे वीडियो बनाना है, तो चौथी बात दोस्तों आपको यू अपना आवाज वॉइस ओवर में वीडियो बनाना है, तब ही आप यहाँ पे जल्दी जल्दी वायरल और फेमस हो सकते हो और लाइक आपको मिल जाएगा दोस्तों। कंटेंट जितना अच्छा यूनिक रहेगा, जितना यूनिक जितना अलग रहेगा, उतना जल्दी आप इस जगह पे फेमस हो जाएगा दोस्तों। और टिकटॉक पे वही फेमस हो रहा है जो ज्यादा स्मार्ट रहता है, जो ज्यादा बकलोल रहता है दोस्तों। तो इस वक्त दोस्तों आपको छोटा सा स्मार्टनेस बनना है, अगर स्मार्ट बनना चाहते हो स्मार्ट भी बन सकते हो, अगर बकलोल बनना है तो बकलोल भी बन सकते, लेकिन लाइक के लिए दोस्तों आजकल बहुत कुछ हद पार हो जाती है, लेकिन आपको शुरुआती में कुछ हद पार करनी पड़ेगी। इसलिए यूनिकनेस करनी होगी, तो यूनिकनेस के लिए आपको कुछ जोकरिंग टाइप का, कुछ फनी टाइप का वीडियो बनाना होगा टिकटॉक पे दोस्तों, जो कि जल्दी से जल्दी आप फेमस करने में आपको मदद करेगा। तो इसलिए दोस्तों वॉच टाइम जितना जल्दी मिलेगा आपके वीडियो, उतना जल्दी आप लाइक, आप जल्दी फेमस हो जाओगे। लेकिन आप बहुत सारे क्रिएटर ऐसे गलती करते हैं, अपने वीडियो को जब अपलोड करते हैं वो वीडियो को बार बार देखते हैं, ऐसा मत आपको कभी जिंदगी में नहीं करना है। अपने वीडियो को बार बार कभी मत देखिए, अपने वीडियो को पब्लिश करने के बाद दोस्तों टिकटॉक एल्गोरिथम इतना तेज है, समझ जाता है वो अपने वीडियो बार बार देखता है, तो वीडियो हम जब भेज ही नहीं रहे वो क्यों देखते, तो वो वीडियो को वहीं पर ठप देता है, यानी कि वहीं पर वीडियो उसको रोक देता है, तो वो वीडियो आगे नहीं भर पाता, जो वीडियो अपने आप बार बार देख लेते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आप अपने वीडियो को जब आप पब्लिश करते हैं तो उसके 30 मिनट तक अपने नेट को ऑन रखिए, ठीक है। तो हुई क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा रैंक करता है, थोड़ा सा वायरल, थोड़ा सा दौड़ता है वीडियो, दौड़ते 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 पसंद आता है तो लाइक मिलने लगता है। तो इस वक्त क्या होता है दोस्तों, इसी से लाइक मिलता है, इस तरह आपका वीडियो वायरल हो सकता है चांस। तो ये सब बातें दोस्तों आपको फॉलो करना है टिकटॉक पर, तभी आप टिकटॉक पर जल्दी जल्दी फेमस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भवन का पहले दिन से सुबह, थैंक फॉर दिस वीडियो।